अच्छा बेटे, मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों के रिजल्ट कब आने वाले हैं? अरे पेपर दिए ही नहीं है तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? बेटे तूने कुछ बोला? अरे कुछ नहीं बीबी जी, वो ये तो कह रहा था कि अपना रिजल्ट ये दो दिन बाद आने वाला है। 2 दिन बाद? अच्छा 2 दिन बाद। और अच्छा बेटे तुम एक बात बताए, मैं अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था, तो बेटे तुम लोगों को भी फर्स्ट आना पड़ेगा। हाँ बीबी जी, बोल तो ऐसे हो जैसे तुम्हारा बाप पेपर देने गया होगा जो फर्स्ट आ जाएंगे हम। अरे बीबी जी फर्स्ट आना तो छोड़ो, अगर पास भी हो गए ना तो बहुत बड़ी बात है। और मैं तो कहता हूँ कि हम लोग तो पास भी नहीं हो सकते, क्योंकि पेपर देने से पहले हम लोग तो ढिंचक पूजा के गाने सुन के गए थे। उस ढिंचक पूजा के गाने सुनने के बाद जो मेरे दिमाग का भाजी पाला हुआ है, पेपर में उसी का नाम लिख के आया हूँ, तो पास कहाँ से हो जाऊँ? पास होना यहाँ मुश्किल हो रहा है, और तुम्हें फर्स्ट आने की पड़ी है। बाबली गांड कहीं के। अरे बेटे बेटे ए बोल रही के। अरे बेटे मैं कह रहा था कि मैं तुमसे कुछ पूछ रहा था ना, और तू ये क्या सोचने में व्यस्त हो गया? हाँ वो कुछ नहीं बीबी जी, आप बिल्कुल, बीबी जी मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल फिक्र मत करो, हम दोनों ही फर्स्ट आएंगे देखना। अरे बीबी जी, अरे बीबी जी आपके दोनों लड़के फेल हो गए। मुझे पहले से ही पता था ये रिजल्ट देखने के बाद अपने घर जरूर आएगा। अरे बीबी जी कहाँ हैं? अरे बुलाऊं उनको? अरे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ मैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुझे बीबी जी को कौन सी इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाना है? अरे यही कि तुम दोनों फेल हो गए हो। फेल? क्या हम लोग फेल हो गए? अब भाई पेपर में ढिंचक पूजा के नाम लिख कर आएंगे तो भाई फेल तो होंगे ही ना। अच्छा तू एक बात बता बे, हम दोनों फेल हो गए हैं, ये बात तू बीबी जी को क्यों बताना चाहता है? अरे वो इसलिए क्योंकि जब बीबी जी को पता चलेगा कि तुम दोनों भाई साहब हो गए हो फेल, तो वो तुमको कुत्तों की तरह पीटेंगे। अब भाई साहब हमें तुम दोनों को कुत्तों की तरह पीटते देखना है बस। बेटे तू थोड़ा सा लेट हो गया, बस थोड़ा सा, बस आधे घंटे लेट हो गया तू बस। बीबी जी तो अभी आधे घंटे ही पहले चल बसे। चले गए? अरे क्या यार कहाँ चले गए बीबी जी? अरे कम से कम न्यूज तो सुन के चले जाते। अबे चूतिए चले गए हैं, मेरा मतलब वो खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं, इस दुनिया से टपक चुके हैं, बोले तो उनके लौड़े लग गए हैं, समझा? अरे यार तो अब मैं तुम दोनों की चुगली कहाँ करूँगा? अबे वो चुगल खो, तुझे पता है समझी के लौंडे भी फेल हो गए। हाँ तो उसका मैं क्या करूँ? अबे तोता का नाना तो जा उसकी चुगली कर। हाँ ये आइडिया सही है। अरे सामा जी तुम्हारा लौंडा फैल हो गए। सामा जी तो है गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबा दो। मैं आपको किसी नए टॉपिक में मिलूंगा, तब तक के लिए कमेंट करो कैसी लगी वीडियो बताओ।